तो आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा होने वाला है। इसमें हम कीवर्ड रिसर्चिंग को डिटेल से समझेंगे इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद उस पर आर्टिकल लिखेंगे AI टूल यूज़ करके, फिर उसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, फिर इंशाल्लाह उसको अपलोड भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च, तो ये है सैमरेज जो कि मैंने VIP SEO टूल वालों की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो वहाँ से ये मैं सैमरेज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो कीवर्ड ओवरव्यू में सबसे पहले आना है, तो कीवर्ड ओवरव्यू में आकर आपने नीच सेलेक्ट करनी है कि किस नीच पर आपने लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी होम डिकोर पर लिखने लगा हूँ, ठीक है, ये होम डिकोर। आगे कीवर्ड भी लिख सकते हैं आप, मज़ीद कीवर्ड सर्चिंग कर सकते हैं, बहुत से ऐसे वेबसाइट्स हैं जो लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करके देती हैं। सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है कि अगर आप बिगिनर हो, आपकी साइट न्यू है, फ्रेश साइट है, तो उस पर लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करें और जिसमें लो केडी हो। मैं आगे मज़ीद बताता हूँ आपको। सर्च पे क्लिक करें और ये कीवर्ड का ओवरव्यू देगा हमें। इसमें जो मेन चीज़ें दो हैं जो हम नज़र में रखते हैं, दो तीन चीज़ें हैं, जैसा कि ये देखो इस पे सर्च वॉल्यूम है 165,000, तो इस और इसकी डिफ़िकल्टी है कीवर्ड डिफ़िकल्टी KD, ठीक है, इन शॉर्ट KD, और वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम, तो के इसकी डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है और इस पे सर्चिज़ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें रैंकिंग मुश्किल हो जाती है। आपने कोशिश करनी है, अगर आपकी साइट न्यू है तो आपने लोएस्ट KD, मतलब के इजी KD होनी चाहिए, कम से कम 10, 12, 15, 20, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि 0 ही मिल जाए, ठीक है, ये कोशिश करने पे है। अब लेट कोशिश कैसे की जाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड भी हैं जो कि 18,000 दिखा रहा है, और नीचे कीवर्ड वेरिएशन भी हैं जो कि ए दिखा रहा है 109,000, ठीक है। तो मैं अगर इसमें व्यू ऑल कीवर्ड करूं, जो इसमें तकरीबन 2 मिलियन कीवर्ड्स हैं, तो मैं अगर इस पर फ़िल्टर लगाऊं, अभी मैं आपको दिखाता हूं इस पर फ़िल्टर कैसे लगता है। फ़िल्टर लगा दूंगा कि भाई इतनी KD वाले और इतने वॉल्यूम वाले मुझे कीवर्ड दे दो, ठीक है। वैसे ज़्यादातर हम KD को पहले रखते हैं फिर वॉल्यूम को रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों चीज़ों को दोनों चीज़ों को सामने रखना चाहिए। और एक और चीज़ आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपका आर्टिकल कमर्शियल है या इंफॉर्मेशनल है, सॉरी ये इंफॉर्मेशनल है। तो इंफॉर्मेशनल में होता है कि क्लाइंट जो होता है यूज़र वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होता है। कमर्शियल में कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहा होता है कि होम को डेकोरेट करने के लिए, और कुछ लोग आइडियाज़ ढूंढ रहे होते हैं इन्फॉर्मेशनल में। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें KD जो है ना, ये देखो मैं फ़िल्टर लगाने लगा हूँ अभी, ये फ़िल्टर वाला एरिया है, इसमें मैं KD कर देता हूँ वेरी इजी। भाई मुझे वेरी इजी वाले जो है ना सिर्फ वो दिखाओ। अब ये रिफ़्रेश होगा दोबारा खुद ब खुद ही, तो ये दिखाएगा हमें जो मतलब वेरी इजी है। अब यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, नेट स्लो है थोड़ा सा। अच्छा ये देखो अब इसकी KD 14 है, क्रिएशन बाय कारा होम डिकोर रेसिपी क्राफ्ट डायब्लो। अब ये देखो कितना अच्छा जो उसने लिखा हुआ है, कीवर्ड है, लॉन्ग टेल भी है, अब इसमें और भी हैं, इसमें रिसर्च वॉल्यूम जो है वो 6,000 है, अच्छी है, ठीक है। आप लो वाले पे भी वर्क कर सकते हैं, 400, इस पे ज़्यादा मतलब कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम होती है, सही है। तो कुछ इस तरह से आप इसको लेकर चल सकते हैं। खैर अब हम चलते हैं इस पे, इसी को चूज़ कर लें। पहले मैंने इस पे लिखा भी हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। उससे पहले हम कोई और देख लेते हैं कीवर्ड, जैसे कि हम यहाँ पे ये इनके ऑल कीवर्ड्स है, डाई, क्राफ्ट, रेसिपी, वॉल, ब्लॉग, इंस्पायर्ड, कैरन, पिलो, पिलो में हैं, ठीक है। आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं इनकी, यहाँ से भी एक अलग फ़िल्टर लग जाता है, सही है। तो अब ये है कि मैं इसमें से कोई भी कीवर्ड चूज़ कर लेता हूँ, मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। लेट मैंने इसको चूज़ किया। अब देखो इसमें भी इसके रिलेटेड कीवर्ड भी निकल आएंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादातर आप ये चूज़ किया करें, यहाँ पर बहुत सारे लोग दिख रहे होते हैं शुरू में, तो आप कोशिश किया करें तो कि एंड से जाकर कोई ना, या फिर यहाँ वहाँ से कोई ढूंढे और फ़िल्टर लगा ले, यहाँ से फ़िल्टर लगा रहे हैं। कोशिश ये करनी कि जिस पर कम से कम लोगों ने लिखा हो, ठीक है। वैसे लेट मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको दे रहा हूँ, तो आपने ये कीवर्ड किया कॉपी, ठीक है, इसको पहले एनालाइज कर लो। इसमें और कीवर्ड है इसका प्राइमरी, प्राइमरी कीवर्ड नहीं है, मतलब प्राइमरी कीवर्ड से मुराद कि कारा होम डिकोर है, कारा हाउस डिकोर, या फिर कुछ इस तरह से हो सकता है, कारा बाथरूम डिकोर, कारा रूम डिकोर। कारा असल में एक ब्लॉगर है, तो इसको मैंने तो ऑलरेडी सर्च किया हुआ है,
तो आपने जब इसको सर्च करेंगे ना, आप देखो आप इसको कीवर्ड को रीड करेंगे कि यूएसए में ये सर्च हो रहा है, तो सॉरी मैं ये बताना भूल गया कि आपने यूनाइटेड स्टेट में करना है कि रैंकिंग अपनी वेबसाइट की पाकिस्तान में करनी है, यूके में करनी है, जिस मर्ज़ी कंट्री में आप कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड सर्च के थ्रू। अब देखो इसमें यूके में इतनी सारी चीज़ें, कनाडा में इतनी है, आगे ये पीएच में हमें फ़िलिपीन है, ये फ्रांस है, तो ये कुछ इस तरह से सर्चेस शो हो रही हैं आपको, उसका जो है ना ग्लोबल वॉल्यूम शो हो रहा है। तो अब हमारा मैं कहाँ था, हाँ, क्रिएशन बाय कारा होम डिकोर रेसिपी क्राफ्ट डायब्लॉग। तो मैं इस कीवर्ड को कॉपी कर लिया, मैं इसको सर्च करूँगा गूगल में, ये है क्या, इसके बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए, और इस पर कितने लोगों ने लिखा है और अभी कितने लोगों ने लिखा है। ठीक है, पहली बात के ये सबसे पहले उसकी वेबसाइट रैंक कर रही है क्रिएशन बाय कारा, ये एक ब्लॉगर है, ये बहुत अच्छे ब्लॉग लिखती है, तो इसके ब्लॉग को ही हमने इंट्रोड्यूस आगे करवाना है। ठीक है, तो लोग इस चीज़ को सर्च करते हैं और वो नीचे आकर भी देखते हैं कि भाई और किस किस ने लिखा है। सही है, अब मैं इसमें टूल्स में लगा देता हूँ कि भाई ये टूल्स में जाकर मैं लगा देता हूँ कि भाई 24 घंटे में कितने लोगों ने इस पर लिखा है आर्टिकल, होम डिकोर में रेसिपी है, क्राफ्ट है ये एक्सेट्रा। अच्छा जी, इन्होंने लिखा है 3 घंटे पहले, 14 घंटे पहले इन्होंने लिखा है, 21 घंटे, मतलब अगर धड़ाधड़ इस पर लिखी जा रहे हैं। और ये देखिए बैक लिंक्स बनाए हुए हैं लोगों ने। ठीक है चलो, खैर हम भी इंशाल्लाह इस पर डालेंगे। अभी पास्ट वीक की अगर बात की जाए तो पास्ट वीक में देखते हैं ब्लॉग, ठीक है, कारा क्रिएटर्स, ये उसमें है दूसरी वेबसाइट है या फिर किसी ने नीच पर ही वेबसाइट बना ली है, एट्सी है, और बहुत सी वेबसाइट्स वालों ने इस पे आर्टिकल लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब चलते हैं हम कि इसको कैसे जनरेट करना है। ठीक है, ये होगी कीवर्ड सर्चिंग। कीवर्ड सर्चिंग का यही सीन है सारा, ओवरऑल आपने बस अच्छे से अपने आइडिया को डेवलप करना है। ठीक है, कीवर्ड सर्चिंग ही मेन चीज़ है मेरे ख्याल में, उसके बाद तो एक मेन चीज़ आती है बैकलिंक्स, तो उसका मैं आगे जाके बताता हूँ। तो आपने जाना है ये कॉपी में, ठीक है, एआई टूल में यूज़ करूँगा और इसमें हम वो भी करेंगे, तो मतलब चेंजिंग भी करेंगे। अच्छा, मैं इसको स्टार्ट विद फ्री करता हूँ। अब इसको फ्री में कैसे लिया जा सकता है बार बार, ठीक है, देखते हैं। अभी मैं जैसे कि अपना ईमेल लिखने लगा हूँ, वादी हाँ @gmail.com। अब मैंने इस पर बहुत दफ़ा लिया हुआ है, अब मैं क्या करूँगा, इधर डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, पर ये देखो मैंने कितनी दफ़ा लिया हुआ है, मैं ऐसे करके इसको यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन अभी मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है इनकी VIP SEO टूल से, तो वो मुझे ज़्यादा फ़ायदा देती है। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई इस पे पहले हुआ, मैं इधर डॉट लगा लेता हूँ। ठीक है, ये देखो हो गया, अब मुझे वेरिफिकेशन मेल चली गई होगी। ठीक है, थोड़ा सा इधर जाकर इसकी वेबसाइट जो है ना हम वो ओपन कर लेते हैं, इसको इस टूल को पास्ट वीक से हटा के एनी टाइम पे कर देते हैं। ठीक है, ये ले, अब हो गया, अब इसको मैं ओपन इन न्यू टैब करूँगा, ये उसकी वेबसाइट है। ठीक है, ये सारी वेबसाइट है और ये उसकी वेबसाइट पूरी हो गई, कंप्लीट ओपन हो रही है। तो इसमें आपने ये देखना है कि मतलब इसने कैसे लिखा हुआ है, इसके क्या एम्स क्या हैं। ठीक है, ये आई एम कारा एंड आई लव टू क्रिएट अ शेयर रेसिपीज़ है। ठीक है, ये रेसिपीज़ पे लिखती है, डाइट रोलेज क्राफ्ट प्रोजेक्ट एंड थ्रिफ्टी होम डिकोर, मतलब छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाती है। देखो जैसे ये तोता शोता बनाया होगा, केक शेक बनाया है, ये गुलदस्ता क्या इसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसने बनाए हुए हैं छोटे छोटे बैग्स, तो ये ऐसे करके होम डिकोर प्रोडक्ट्स बनाती है और रेसिपीज़ करती है, फूड की फील्ड में भी है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने आर्टिकल लिखना है। सही है, इसके अंदर इसके कुछ दो चार प्रोडक्ट के बारे में भी लिखना है। अब इसका जो लिंक है वो हमारे काम आएगा, इसको भी आपने कॉपी कर लेना है ताकि आप इसको यूज़ कर सकें अपने आर्टिकल में एज अ लिंक, ताकि इसको लिंक लगाने से जो है ना हमारी वेबसाइट भी रैंक हो जाए। ठीक है, और गूगल पसंद करता है कि मेरी आर्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा लिंक लगाएं। ठीक है, तो ये मुझे नॉलेज हो गया, ये कीवर्ड किस अबाउट है, मेरी नीच के अबाउट है। ठीक है, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ। अब मैं जीमेल में जाकर देखो, मुझे वो एक्टिवेशन का आ गया, हो जाओ ओपन, हो गया। अच्छा, अब ये इसमें बहुत सारे मुझे मेल्स आए हुए हैं, इसको मैं एक्टिव पे क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिकली जो है ना मुझे फ्री ट्रायल 1500 वर्ड इसके कॉपीमेटिक के मिल जाएंगे। हाँ, इसको स्किप करें। अब लेट मैं जाता हूँ आर्टिकल जनरेटर में,
ठीक है, यहाँ पे जाकर मैं सुकून से वो अपना कीवर्ड पेस्ट करूँगा और फोकस कीवर्ड भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे इसके बारे में मज़ीद, इसको जितने अच्छे से मॉडिफाई करेंगे ना, क्रिएशन बाय कारा होम डिकोर एंड एंड रेसिपी, इसमें आप जो चेंजिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसमें क्या मैं डाल सकता हूँ, 10 बेस्ट टिप्स, नहीं क्वेश्चंस, कुछ इस तरह से करके। खैर ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल है, ताकि आप बस, मतलब हमारा ये है कि हम इसको कितने अच्छे से मॉडिफाई करके ह्यूमन टच दे सकते हैं। तो राइट सब हेडिंग, मैं इसकी राइट सब हेडिंग्स करूँगा, हेडिंग्स जो होती हैं H1, H2, H3। अब देखो इस पे आ गया कि कारा होम डिकोर ब्लॉग और कारा रेसिपी ब्लॉग, कारा क्राफ्ट ब्लॉग, कारा डाई ब्लॉग, मतलब उसने दे दिया। आप मज़ीद और भी जनरेट कर सकते हैं, इससे ये होगा कि आपके पास और भी ऑप्शंस आ जाएंगी। ये मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, ये सेम हो गया। इसमें कीवर्ड थोड़ा सा चेंज कर लें, यहाँ से मैं ये कीवर्ड डाल देता हूँ, कंट्रोल सी, आप ये कंट्रोल वी करके इंटर कर दें। अब मैं कहता हूँ भाई इसके बारे में थोड़ा सा लिख के हमें बताओ, दो फोकस कीवर्ड देखा, अभी भी वही आ रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। फेवरेट रेसिपी कारा क्राफ्ट प्रोजेक्ट, इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, हाउ कॉन्टैक्ट कारा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये देखो ये एक अच्छी हेडिंग बन गई है। तो मज़ीद भी हम डाल सकते हैं, वो मैं आपको इसी पे लिखा हुआ एक आर्टिकल है तो वो दिखाता हूँ। ये विदाउट फ्री ऑफ प्लाजरिज्म है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। सही, तो मैं इसमें एक इसको राइट करता हूँ, और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने इसमें इसी के साथ लिखा था, लेकिन मैंने उसे मॉडिफाई किया था। ये देखो ये लिखी जा रहा है साथ साथ। अब ये रीड एंड लर्न, ये देखो मैंने लिखा क्रिएशन बाय कारा होम डिकोर, और ये है इसमें क्रिएशन बाय कारा होम डिकोर, मैंने उसका अच्छे से बैनर बनाया है, फिर उसमें इमेज ऐड किया, और ये उसका है Home कारा का जो decorations can वो give a अपने room a कारा fresh के new look कारा without फ्लोर having to का spend a fortune. मतलब कारा You फ्लोर just में need to क्या know what to चेंज ये choose. करता। Today ये I'm here at फिर one of my इंट्रोडक्शन favorite में homeware वॉक stores to इन find some कारा होम डेकोर inspiration जो for है your क्रिएशन बाय home. कारा पार्ट ऑफ फैमिली, ठीक है। फिर ये देखो क्रिएशन बाय कारा, ये आपको Rugs अपना are a लिविंग great रूम, way for यहाँ a पे space to feel warm and आपके inviting. ऊपर देखेंगे Start ये with a जो फ्लोर neutral है base and कारा work up क्रिएशन from में there. लगा हुआ है। और फिर कारा की मैंने एक Katrina, वीडियो tell लगाई me about हुई your है जो कि store. एक यूट्यूब वीडियो है, तो मैंने उसका उसको इम्बेंड किया हुआ है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट डाला हुआ है, इंट्रोडक्शन कारा, ये देखें ये सारी हेडिंग्स है, ये जो मैंने अभी जनरेट की थी उसमें, ये वाली हेडिंग्स, ठीक है, ये सारा इसने लिख दिया। अब आता हूँ, हाउ डज कारा होम डिकोर, हाउ टू मेक कारा होम डिकोर रेसिपी, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कारा होम डिकोर, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद कारा होम डिकोर, द बेनिफिट ऑफ कारा होम डिकोर, हाउ टू मेक अ कारा क्राफ्ट, कारा होम डिकोर रेसिपी, हाउ टू मेक क्राफ्ट डाई, हाउ टू मेक अ क्रोक पॉट एप्पल केक, ठीक है, फिर कंक्लूजन है, ठीक है। अब ये नीचे दूसरे आर्टिकल्स आ जाते हैं। अब देखो इसको लिखा हुआ है अच्छे से, और इसमें मॉडिफिकेशन भी की गई है, ह्यूमन टच दिया गया अच्छा खासा इसको, ताकि गूगल की गूगल जो है वो AI टूल्स होते हैं उनको डिटेक्ट भी अब कर लेता है बहुत अच्छे से। लेकिन अगर उसमें अच्छे से ह्यूमन टच दे दिया जाए, जैसे कि मैम देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कारा होम डिकोर फ्रॉम रस्टिक एंड नेचुरल टू स्लीक एंड मॉडर्न, हेयर आर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये उनके ये हेडिंग्स तो उनकी ही उठानी है, लेकिन उनको भी आपने मॉडिफाई करना है। अगर आप तीन वर्ड जो है ना, जैसे कि ये और ये ऐड करते हैं, तो वो एक प्लाजरिज्म बन जाता है, क्या आपने किसी की का आइडिया कॉपी किया हुआ है, ठीक है। आगे दिस स्टाइल इज़ अबाउट डिस्ट्रेस फर्नीचर, नेचुरल फैब्रिक एंड बोर्ड वॉक्स, यू कैन अचीव दिस लुक विद आइटम्स सच एज, मतलब क्या आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, बस बिल्कुल शॉर्ट किया हुआ है, ये बहुत लंबा था, ठीक है भाई, इतना था, 4-5 लाइनों का था, मैंने इसको शॉर्ट किया। और इसमें जो एक्स्ट्रा सेंटेंस है, जैसे कि हम किसी कोई मशीन पे बैठे हैं तो वो मशीन जनरेट करती है किसी किस्म, जैसे हम कैंची के साथ मशीन का धागा कट करते हैं ना, कि एक्स्ट्रा धागा वो कट कर देते हैं, तो ये भी मशीन जनरेटेड है, बस हमने एक्स्ट्रा धागा जो है ना उसको कट करना है, थ्रीड को कट कर देना है, एक्स्ट्रा टेंसेस को कट कर देना है, और जो टेंस है उसको अच्छे से मॉडिफाई करना है, ठीक है। अब ये इसने आर्टिकल जनरेट कर दिया, सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल सी करूँगा, और मैं अपने इधर मैं पहले भी लिख रहा हूँ, तो इसको मैं हटाऊँगा,
और इसको कंट्रोल वी कर दूंगा, और यही आर्टिकल को मैंने कॉपी किया और इसको ही मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अब ये है कि मैं इस पर और भी लिख सकता हूँ, जैसे कि एफ ए क्यू एस जो कि फॉक्स हैं एस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसको, वो कह रहा है कि भाई एम्प्टी टेक्स्ट, अबे राइट मोर करना था। इसको मैं हेडिंग बनाता हूँ, हेडिंग 3, और फिर मैं करता हूँ इंटर, अबे करो लिखो, हाँ ये आ गया। अब मैं कहता हूँ राइट मोर, या जनरेट मोर करना था, सॉरी ये इट्स अ टेस्ट, ओके। तो इस तरह से हाँ सही हो गया ना, ये देखो उसने और लिख दिया। मैं आगे अगर और कहूँगा तो ये और लिख देगा, तो कैन आई यूज़ प्रोडक्ट डेवलप विंडो एप्लीकेशन, ये क्या कर दिया इसने, आई चेंज द नेम ऑफ क्लास अदर क्लास में, ये थोड़ा सा हट गया है ना, पागल हो गया। मशीन तो मशीन ही होती है भाई, हाउ मच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मशीन तो मशीन ही होती है। तो मशीन को जैसे इसको मैंने बताया नहीं है ना फॉक्स में क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो मतलब यही था कि आपको मैं समझा सकूं, और इससे फिर कैसे हम इसको ग्रामरली में लेकर आके, अब इसमें वो कह रहा है कि वाओ लोगों इसको नहीं चेंज करना, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना आगे, जो है ना आपने सारी चेंजिंग कर देनी है, इसकी करेक्शन कर देनी है। एंड अबे यार तुम्हें नहीं करना, हमने ऑफ किधर है, ठीक है, ये अपडेट ऑल, ये इसको रीराइट करेगा। मतलब इसमें आपने ये भी सेट करना है, जैसे कि मैं ओवरऑल स्कोर की बात करूँ, नहीं ओवरऑल नहीं, गोल्स, हाँ गोल्स, इसमें आपने सेट कर देना है कि आप लिख किस लिए ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन के लिए, डिस्क्राइब है, कन्वेंस किसी को कर रहे हैं, किसी को स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है, जनरल होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। तो ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट मुझे सही लगता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेकर चल सकते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी भी चाहिए, ठीक है। लेट अप देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जैसे कि इंट्रोडक्शन है, हेलो माय नेम इज कारा, यहाँ पे इस चीज़ को मशीन ने लिखा है ना, तो ये हमने चीज़ नहीं लिखनी। आई एम अ क्रिएटर ऑफ ब्लॉगर, यहाँ पे मैं अगर लेट ऐसा करूँ कि इंट्रोडक्शन अबाउट, इंट्रोडक्शन अबाउट अबाउट कारा, ठीक है। अब हेलो माय नेम इज़ कारा, ठीक है, ये नहीं करना, इसको रिमूव कर दें। आई एम द क्रिएटर ऑफ ब्लॉग क्रिएशन बाय कारा, ठीक है, आई एम सो एक्साइटेड, ये नहीं, ये इंट्रोडक्शन मैं यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। हमने जो अपनी वेब, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट में इंट्रोडक्शन यूज़ किया है, व्हेन यू वॉक इन टू कारा होम डिकोर, आपने इसको टारगेट करना है, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से सेट नहीं किया ना, फोकस कीवर्ड को सेट नहीं किया, इस वजह से वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं आया, आपने अच्छे से सेट करना है, ठीक है। यू विल फील लाइक अ पार्ट ऑफ फैमिली, इट इज़ वेरी क्रिएटिवली एंड इंग्लिश टूगेदर, ये वो एक्सेट्रा, वी एनकरेज यू टू स्टॉप बाय एनी टाइम एंड टेक अ लुक अराउंड, ठीक है, ऐसे करके। अगर मैं इसकी डिटेल SEO चेक करूँ, तो ये एक एक्सटेंशन है डिटेल SEO, आप एक्सटेंशन गूगल क्रोम पर लगा सकते हैं। ये देखो जी 45 का है, क्रिएशन बाय कारा होम डेकोर रेसिपी क्राफ्ट है, ये परफेक्ट है। फिर व्हेन यू वॉक इनटू क्रिएशन बाय कारा होम डेकोर रेसिपी क्राफ्ट है, यू विल फील लाइक अ पार्ट ऑफ फैमिली, इट इज़ वेयर क्रिएटिवली एंड एक्सेट्रा, ठीक है, ये भी परफेक्ट है, इंडेक्सिबल है, ठीक है। सेल्फ ये क्या रेफरेंसिंग, पता नहीं क्या है, हाँ सेल्फ रेफर, खुद को मैंने रेफ़र किया, इसके अंदर मैंने खुद का लिंक भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। और मतलब कि सब परफेक्ट है ना, तो उसने बताया है कि भाई सही लिखा गया है, ठीक है। तो मतलब कहने का, समझाने का मतलब यही था कि आप इस चीज़ को अच्छे से लिख लें, और यही नहीं कि इसी पे ही डिपेंड नहीं करना, ठीक है। यहाँ से आप अपने से भी जो है ना लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप अपनी हेडिंग भी बना सकते हैं, अब रिसर्च करके, जैसे कि मैं रिसर्च कर लेता हूँ कि कारा की वेबसाइट पे चला जाता हूँ, और भी लोगों ने यहाँ पे लिखा होगा, तो उनकी रिसर्चेस को मैं चेक कर सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ, जैसे कि अभी मैं इस पर सर्च करता हूँ, हाँ अब देखो इसमें ये है, ये है, अब ये देखो मैंने ये पहले ओपन किया हुआ है, ये इसको भी मैं ओपन कर लूँगा, इसको भी ओपन कर लूँगा, अगर मैं इसको ओपन नहीं, इसको रहने देता हूँ, जो मेरे काम का है, ये भी ये भी ये भी, ये दोनों ही काफ़ी हैं, ठीक है। ये तो वेबसाइट ही मेरे ख्याल में बंद हुई पड़ी है, तो इससे मुझे ये आइडिया हो जाएगा, ये कोई गोल गप्पे शप्पे बना रहे हैं, ठीक है, तो इनके नाम शाम से देख लेने आप लोगों ने उनके कंट्री के हिसाब से, ठीक है। ये तो है वेब स्टोरीज, जो कि एक नया फंक्शन है, मुझे तो बड़ा पसंद आया है, ये देखो इस पर
वेब स्टोरी का ना आगे ऐड आ गया, वो आज ही हुआ। अब ऐसा लगाएंगे इंशाल्लाह इस फीचर को भी वेबसाइट के अंदर। अब इसको कट करते हैं, अब किसी और को देखते हैं। टेन बस डाई एम बिकॉज फॉलोइंग रेसिपीज डाई प्रोजेक्ट, ये कारा का नहीं है मेरे ख्याल में। डाई प्रोजेक्ट स्टीम ना है, कोई और है। ठीक है, ऐसे करके आपने देख लेना एक एक दो ब्लॉग जिसमें जो है ना डिटेल से बताया गया हो। यहाँ से आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, सही हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय क्वीन, अगर आपको कोई अच्छी वेबसाइट का पता है आपके दोस्त का तो आप उसका भी आइडिया चुरा सकते हैं। ठीक है, क्रिएशन बाय कारा, ये क्या सीन है, मेरा इंडेक्स नहीं हुआ क्या? चलो खैर मैं चेक करूँगा इसको। तो कुछ इस तरह से करके ना आप लिख सकते हैं। तो पर्पस था कि आपको थोड़ी सी कंटेंट राइटिंग का भी दे दूँ इन्फॉर्मेशन। तो ये मेन कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने एक पूरा आर्टिकल लिख लिया, मेरा मेन कीवर्ड ये है। ठीक है, अब इसको मैंने आर्टिकल के अंदर कम से कम जो है ना 5 दफ़ा ज़रूर यूज़ करना है। यहाँ पे कंट्रोल सी, फिर यहाँ पे आके कंट्रोल वी, मतलब यहाँ पे आके यूज़ कर लेना है, फिर यहाँ पे यूज़ कर लेना है, मतलब कि हेडिंग के अंदर भी मैंने इसको यूज़ करना है, और फिर मैंने कहीं और पे भी जहाँ पे मुझे जगह मिले ना सही, मुझे समझ आ रहा है कि कारा क्राफ्ट ब्लॉग है, कारा डाई ब्लॉग, ये वो जहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ना, ठीक है, वहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर लेना है। सही है, तो इससे क्या होगा कि आपकी SEO स्कोर अच्छा हो जाएगा। ठीक हो गया, बाकी समझाने का मकसद था वो मेरा कंप्लीट हो गया। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे।